अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल से इंशाल्लाह ताला हम सब के यहाँ सहरी की रौनकें होंगी और परसों से हम लोग रोज़ा इफ्तार करेंगे, तो उसके लिए तैयारियां जा रही हैं। तो ये अभी मैंने खट्टी मीठी जो है ना इफ्तारी के लिए ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं लोड कर दूँगी। और रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं तो उसके लिए मैं ये जो है ना, मैंने देखे अभी ये काम वाम से फारिग हो के अभी मैंने चने रखे हैं, सफ़ेद चने, तो ये मैं भिगो दूँगी, इनको रात भर भिगोऊँगी, फिर सुबह इनको बॉईल करके पैकेट बना के रख दूँगी ताकि रमज़ान में हमारा टाइम ज़ाया ना हो और इबादत में ही ज़्यादातर वक्त गुजरे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो ये होता है, आप सारे अपने जो ऐसे मेहनत तलब काम होते हैं ना, तो वो पहले से ही करके रख लें। तो ये अभी मैं भिगो दूँगी, सुबह उठ के बॉईल करके इनके पैकेट बना के रख दूँगी। ये काले चने हैं, इनको भी भिगोऊँगी मैं, इनके भी पैकेट बना के मैं रख दूँगी ताकि जल्दी जल्दी हमारी इफ्तारी रेडी हो जाए करें। और घरों की सफाइयों से तो हम फारिग हो चुके हैं बिल्कुल, घर की सेटिंग भी हो चुकी है, सफाइयाँ भी हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरा घर रमज़ान की वजह से हमने पूरा घर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया है, किचन को भी अच्छे तरीके से बहुत सजाया है। और ये हम बच्चे क्या कर रहे हैं, और कपड़े भी जाहिर है ईद के लिए सिलेंगे, तो वो शेलिंग हो के मैंने करे हुए थे तो टेलर के यहाँ जाएंगे, तो ये सुखाए हुए थे मैंने। पूरिया क्या कर, दूर रखना मेरे से इसको, ये नए कैट लेके आए भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैंने कहा दरवाज़ा बंद करके ही रखो इनको, अपने रूम में ही रखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हालांकि है कितनी क्यूट, इसका फेस दिखाना, वो फल्लाओ वो खुद डर रही है, मैं उससे डर रही हूँ, वो मेरे से डर रही है। बच्चे बोला मम्मा मुझे बहुत डर लगता है ना बिल्ली वगैरह से, बहुत डर लगता है मुझे ना, तो बच्चों ने इसको रूम में ही रखा हुआ है। खैर ये है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप सबको रमज़ान करीम की बहुत, मेरे पास नहीं आना, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सब लोगों को, और अल्लाह ताला खैर के साथ हम लोगों को रमज़ान में दाखिल करे, सबके घरों में खुशियां दे, रब्बुल इज़्ज़त साथ खैर के साथ रमज़ान गुजरें हम लोगों के ना। तो आप लोगों को एक बार फिर रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद।